बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिमत मेली के हवाले से एक बहुत ही ज़रूरी अनाउंसमेंट है। सिमत मेली की एक टीम है खैरपुर रॉयल्स। खैरपुर रॉयल्स ने एक पोस्ट छोड़ी है कि जिसमें वो टैलेंट हंट के नाम से ट्रायल्स करवाने जा रहे हैं। जब ये सिंध में मिली की ड्राफ्टिंग हुई थी तो उसमें काफ़ी सारे प्लेयर्स थे, ख़ासतौर पर सिंध कैटेगरी में, जो उन्होंने कुछ प्लेयर मुंतखब नहीं किए थे। जैसे 5 प्लेयर सिलेक्ट होने थे तो शायद 1-2 प्लेयर सिलेक्ट किए थे, 2-3 की गुंजाइश रहती थी कुछ टीमों में। तो खैरपुर में जो गुंजाइश रहती है सिंध कैटेगरी में, उसके लिए ट्रायल्स का अनाउंसमेंट किया है। अच्छा, यहाँ पे जो मेन चीज़ है कि इन्होंने मेंशन नहीं किया कि सिंध कैटेगरी है, पर मेरा अंदाज़ा है कि ये ट्रायल सिंध कैटेगरी के ही होंगे, क्योंकि बकाया जो है वो उनके ट्रायल तो होने ही नहीं है। तो सिंध कैटेगरी में जो आपको पता है कि अंडर 23 और सिंध डोमिसाइल वाले प्लेयर्स के लिए ट्रायल है, तो इसमें जो हैं वो ट्रायल होंगे खैरपुर में। खैरपुर में ट्रायल होंगे। जो खैरपुर का जो ग्राउंड है वो है मंघनवारी, मेरे शायद मुझे सही नाम इसका सुना नहीं मैंने पहले, मंघनवारी ग्राउंड है खैरपुर में, तो वहाँ पे ये ट्रायल होंगे। और सिंध कैटेगरी जो पहले भी सब ट्रायल दे चुके हैं, 2 जगह ट्रायल हुए थे, कराची में हुए थे और सखर में हुए थे, उसके अलावा जो ट्रायल होने थे हुए नहीं थे, उन्होंने टीम अनाउंस कर दी थी, लेकिन अब खैरपुर वालों वाले ट्रायल करा रहे हैं और वो इन ट्रायल्स में से जो हैं वो बकाए जो उनके प्लेयर रहते हैं वो मुंतखब करेंगे। अच्छा, इसमें ये भी बात है कि जो ड्राफ्टिंग में जो रिज़र्व में प्लेयर थे पहले, उनका भी उनको लेना चाहिए था। काफ़ी रिज़र्विंग प्लेयर हैं ड्राफ्टिंग में जो रह गए थे, जिनको नहीं लिया गया, ख़ास तौर पे अगर वो थोड़ा सर्च करते, खैरपुर की मैनेजमेंट अगर सर्च करती कि वो प्लेयर जो परफॉर्मर अंडर 23 कैटेगरी में और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी है हैदराबाद रीजन में, लाड़कान रीजन में, तो वो प्लेयर बड़े नुमाया हैं, तो मेरे ख्याल में सबसे पहले फ़र्स्ट चॉइस तो वो होती कि जो परफॉर्मर प्लेयर हैं और जो इस कैटेगरी में आते हैं पहले उनको मुंतखब किया जाता। तो खैर बहरहाल वो प्लेयर फिर से ट्रायल देने जाएँ तो और अपनी परफॉर्मेंस का बताएं कि आई होप के जो डिज़र्विंग प्लेयर हैं वो सिलेक्ट हो। जो इससे पहले जो सिलेक्शन हुई अमूमन ज़्यादा प्लेयर कराची के सिलेक्ट हुए हैं और बड़े कम नुमाइंदगी हुई है हैदराबाद लड़का जन की, 3-4 प्लेयर के अलावा कोई ऐसी सिलेक्शन यहाँ से नहीं हुई। बाकी तो सारी कैटेगरीज़ में आपको पता है पूरा पाकिस्तान है, जो जैसे PSL में होता है ऐसे ही है। तो इसमें जो आपने ट्रायल से पहले रजिस्ट्रेशन करवानी है, रजिस्ट्रेशन का उन्होंने ये कहा है कि एक नंबर उन्होंने दिया है कि यहाँ पे ख़ुद को रजिस्टर्ड करें। अच्छा, उसमें उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कोई फॉर्म दिया हो या उन्होंने ये लिखा हो कि आप हमें मैसेज करें या व्हाट्सएप पे कॉल करें, ये नहीं पता। व्हाट्सएप का नंबर उन्होंने दिया है तो वो नंबर सब नोट कर लें, 0336 जो कोड है 0336 और 3618 62। मैं रिपीट करता हूँ, 0336 3618 62 ये नंबर है। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप उनको अब देखें मैसेज करें या कॉल करें, बहरहाल अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें। मैं गुड लक विश करता हूँ सब प्लेयर्स को जो रह गए हैं, ख़ासतौर पे वो जो डिज़र्विंग हैं, करंटली जो परफॉर्मर हैं उनका पहले हक बनता है। मेरे ख्याल में इसमें थोड़ा ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, PCB के रिकॉर्ड्स सबके सामने हैं। आप सिर्फ और कुछ नहीं करें, सिर्फ आप जो हैदराबाद रीजन लाड़कान रीजन के जो करंट जो सीज़न हुआ है उस सीज़न में सिर्फ आप ये चेक करेंगे उस सीज़न में कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने सीनियर डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है, काजम ट्रॉफी हनीमून ट्रॉफी में टॉप किया है, तो वो जो टॉपर हैं उनको आप ले लें तो ये ज़्यादा मुनासिब रहेगा, क्योंकि उनका हक बनता है और वो परफॉर्मर हैं और वो बड़ा आपको आसानी से मिल जाएगा। उस अगर मुझसे कोई रब्ता करेगा खैरपुर मैनेजमेंट से तो मैं उनको बता दूंगा कि कौन कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने करंटली, पर खैर ये तो ढकी छुपी बात नहीं, उनको खुद भी पता होगा, तो इस पर थोड़ा वर्कआउट करें। और बहरहाल जो भी प्लेयर उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बड़ी कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ के प्लेयर्स के लिए, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल करें सिंध कैटेगरी के लिए। तो अपनी तैयारी कर लें, जो डॉक्यूमेंट्स सबको पता है, पहले भी इन्हें काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि वाइट किट है, अपना सामान है
और जो अपना एज का जो कंफर्मेशन के लिए कि भाई उनको पता चले कि भाई इसकी एज ये है, तो अपने कोई पक्का डॉक्यूमेंट्स, कोई स्मार्ट कार्ड, कोई शनाख्ती कार्ड या इस तरह कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट तो लेके जाएं, तो ताकि उनको कंफर्म हो जाए कि भाई इसकी रहाइश डोमिसाइल, जैसे होता है डोमिसाइल एक बड़ा प्रूफ है, डोमिसाइल आप लेके जाएंगे तो डोमिसाइल में लिखा होता है कि भाई इसकी एज ये है और ये यहाँ रहता है, इससे दोनों चीज़ें प्रूव हो जाती हैं। तो इस तरह से आपको ये प्रूफ करना है कि हमारी एज ये है और हम यहाँ रहते हैं, सिंध के हैं, तो आप ट्रायल दे सकते हैं। तो वंस अगेन वेरी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल प्लेयर्स, तैयारी पकड़ें और खैरपुर के लिए अपनी टिकट कटाएं और खैरपुर पहुँचें। चलें जी, सबको गुड लक विश करते हैं, और कोई कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो पूछने जैसा हो तो पूछें, बाकी बाकी हर चीज़ मैंने क्लियर कर दी है, ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।